काफी टूरिस्ट दिखाई दे रहे हैं, देखिए दूर दूर से आप पहुंचे हुए हैं नैनीताल। और रमजान का टाइम चल रहा है इस समय, जगह जगह ये अभियान चल रहे हैं, देखिए यहाँ पे चलान हो रहे हैं। नैनीताल में आप आते हैं तो महापाषाण देवी मंदिर जरूर देखिए, 85 रुपए में नैनीताल आप बसेस के द्वारा आ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, विक्की एनटीएल वीडियोस में आपका स्वागत करता हूँ। और आज की न्यू वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ मेन तल्लीताल डांट पे, जो कि आप काठगोदाम रेलवे से आते हैं या फिर आप बस से आते हैं तो शेयरिंग से टैक्सी से भी आ सकते हैं आप नैनीताल। तो शुरुआत में ही नैनी झील दिखाई देती है और नैना पिक और माँ पाषाण देवी मंदिर और नैना देवी मंदिर, और काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है। सैटरडे का दिन है और 16 मार्च आज है और काफ़ी टूरिस्ट दिखाई दे रहे हैं। तो ये मेन यहाँ का एंट्रेंस है और यहाँ से शुरुआत हो जाती है नैनीताल की। तो बैक कैमरे से सारा कुछ अपडेट रहेगा, आज का मौसम और कितना टूरिस्ट यहाँ पे है, तो सारा कुछ मल्लीताल तक का रहेगा दोस्तों, ऐसे ही आप लोग बने रहिए। सामने है सहायता केंद्र जो कि तल्लीताल में भी है और मल्लीताल में भी है। तो तल्लीताल मल्लीताल पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ पे कुमाऊँ रेंज ड्यूटी करते रहते हैं, तो यहाँ पे आते हैं कोई भी आप सहायता इनसे ले सकते हैं। और टूरिस्ट की बात करें तो काफ़ी टूरिस्ट दिखाई दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे लोकल वाले भी हैं टूरिस्ट भी हैं। तो बहुत बढ़िया सुहाना मौसम है, बढ़िया धूप खिल रही है देखिए अभी इस समय। तो मेन तल्लीताल डांट है और यहाँ से देखिए हवाई अड्डा भी लिखा गया है और काठगोदाम रेलवे स्टेशन, तो हनुमानगढ़ भी जरूर जाइएगा, नैनीताल से 3 किलोमीटर में ही पास में ही है। और ये वाला रास्ता जाता है भवाली, तो रानीखेत अल्मोड़ा कौसानी मुक्तेश्वर जागेश्वर, तो आप लोग निकल सकते हैं और काफ़ी नैनीताल का साइट सीन घूम सकते हैं, लेक्स टूर घूम सकते हैं। इस समय काफ़ी सस्ता हो रहा है नैनीताल, इस समय होटलों में भी डिस्काउंट चल रहा है, गाड़ियों में घूमने का डिस्काउंट है। और इस समय आप आते हैं तो छोटे बच्चों के साथ और बुजुर्गों को लेके यहाँ पे नैनीताल प्लान कर सकते हैं। और बहुत बढ़िया देखिए यहाँ पे मछलियाँ भी आई हुई हैं और मछलियों को चारा खिलाना यहाँ पे बिल्कुल सख्त मना है, क्योंकि ये मछलियाँ काई खाती हैं और नैनीताल को सौंदर्यकरण में ये रखती हैं, झील को साफ करती हैं। और मेन जो डांट है ये वाला है, तो यहाँ पे पानी की निकासी होती है जब ओवरफ्लो हो जाता है बरसातों में, तो झील का लेवल भी कम होते जा रहा है, गर्मियाँ बढ़ते जा रही है। इस बार भी स्नोफॉल नहीं हो पाई, तो 2 साल से स्नोफॉल नहीं मिल पा रहा है, काफ़ी मौसम में बदलाव आया है। तो सेम मौसम हो रहा है वैसे तो, मैंने कहा अपडेट दे दूँ आपको, इसलिए वीडियो बना रहे हैं। ये तल्लीताल का बोट स्टैंड है और बोटिंग का रेट है मल्लीताल तल्लीताल कहीं से भी आप अधमताल से करते हैं तो 420 रुपये फुल चक्कर का है, हाफ चक्कर का 320 रुपये है। तो ये पैडल बोट में भी सेम है और चप्पू वाले में भी सेम है। काफ़ी टूरिस्ट दिखाई दे रहे हैं, देखिए दूर दूर से आप पहुँचे हुए हैं नैनीताल, तो घूमने के लिए काफ़ी, देखिए छोटे छोटे बच्चों के साथ भी दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत बढ़िया अभी इस समय मौसम हो रहा है और ट्रैफिक काफ़ी कंट्रोल है और बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है, और बहुत बढ़िया इस समय आपको मिलने वाला है नैनीताल में। देखिए बस स्टैंड है और यहाँ से भवाली भीमताल और जागेश्वर बागेश्वर और मुक्तेश्वर के लिए जा सकते हैं आप। तो काफ़ी बसेस दिखाई दे रही हैं और खाली खाली दिखाई दे रही हैं, इस समय टूरिस्ट ना के बराबर है और लोकल वाले भी कम ही हैं। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट की काफ़ी बसेस दिखाई दे रही हैं आज, देखिए यहाँ पे तो हल्द्वानी टनकपुर की गाड़ियाँ लगी हुई हैं और दिल्ली वाली शाम को लगती है। रेलवे से आप आते हैं फिर काठगोदाम हल्द्वानी से आप लोग 85 रुपीज़ 85 रुपये में नैनीताल आप बसेस के द्वारा आ सकते हैं। और तल्लीताल डांट मेन पड़ता है, देखिए यहाँ पे रेट लिखे गए हैं, 150 से 200 रुपये में आप काठगोदाम हल्द्वानी से छोटी गाड़ी में शेयरिंग में आ सकते हैं। तल्लीताल बोट स्टैंड के पास हूँ और देखिए यहाँ पे टूरिस्ट की बात करें बहुत ना के बराबर टूरिस्ट है और बहुत बढ़िया देखिए सामने नज़ारा हो रहा है। इस समय आप लोग आते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलने वाला है नैनीताल में, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग संख्या में आइए क्योंकि वेदर काफ़ी बढ़िया है इस समय, छोटे बच्चों के साथ और बुजुर्गों के साथ नैनीताल प्लान कर सकते हैं आप। तो अलका एवरेस्ट इंडिया यहाँ पे काफ़ी बड़े होटल हैं मॉल रोड के, देखिए यहाँ पे एवरेस्ट है, ये अलका है और यहाँ पे डोमिनोज भी है। तो नीचे की तरफ ये बोट स्टैंड है, तो यहाँ पे पैडल बोट भी है और चप्पू वाला बोट भी है, तो 420 रुपये फुल चक्कर का है, दोनों ही सेम प्राइस है और हाफ चक्कर का 320 रुपये है। तो देखिए यहाँ पे बोटिंग अभी इस समय कमी है, देखिए यहाँ पे अलका एवरेस्ट इंडिया होटल है जो कि फेमस है नैनीताल के। तो यहाँ पे चिड़ियाघर जाना हो आपने, जू जाने का यहाँ पे शटल मिलता है जो कि 70 रुपये में आना जाना आप कर सकते हैं, और जू का टिकट है 100 रुपीज़, तो 100 रुपये में आप जू इंजॉय कर सकते हैं नैनीताल का। अगर ट्रॉली में जाना हो आपने तो रोपवे में 370 रुपये में आना जाना है। यहाँ पे झील का किनारा है और यहाँ पे ओपन जिम भी लगाया गया है, तो बहुत बढ़िया यहाँ पे आप लोग ओपन जिम कर सकते हैं, सुबह शाम मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं और झील का किनारा है, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं।
तो काफी बच्चे देखिए यहाँ पे एंजॉय करते हुए, और आप लोग भी आते हैं तो बहुत बढ़िया लगने वाला है आपको। इस रोड में, कैनेडी रोड में जरूर आएं, मॉल रोड में ये पड़ती है, और अलका एवरेज इंडिया होटल है, और यहाँ पे डोमिनोज भी है, और आगे में जाते हैं सबवे भी है, और काफ़ी सारे कैफेज़ भी हैं, रेस्टोरेंट भी हैं, होटल्स भी हैं। तो यहाँ पे बोर्ड स्टैंड भी है, तो पैडल वाला, चप्पू वाला सभी यहाँ पे मिल जाता है आपको। तो तलीताल, मल्लीताल, अधमताल, पूरा मल्लीताल, तलीताल जो कि 1.5 किलोमीटर है, तो यहाँ पे ई रिक्शाज में भी जा सकते हैं आप। ई रिक्शाज का 10 रुपये है और पैडल रिक्शा में 20 रुपये है। नैनीताल में आप आते हैं तो दोस्तों इस चीज़ का जरूर ध्यान दें, यहाँ पे यातायात नियम का पालन करें, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह ड्यूटी रहती है, कुमाऊँ रेंज यहाँ पे ड्यूटी करती रहती है। तो 2 व्हीलर में चलते हैं तो हेलमेट का प्रयोग करें, और 4 व्हीलर में चलते हैं तो सीट बेल्ट का भी प्रयोग करें, और अनावश्यक कहीं पे नो पार्किंग में आप गाड़ी खड़ी ना करें, और पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हैं उसके बाद ही आप लोग घूमें। तो जगह जगह ये अभियान चल रहे हैं, देखिए यहाँ पे चलान हो रहे हैं, तो आप लोग इस चीज़ का जरूर ध्यान दें। नैनीताल आप आते हैं, सामने है माँ नैना देवी मंदिर, और बाजू में है गुरुद्वारा, और ये है ठंडी सड़क, और इधर की है मॉल रोड। सामने ऊपर में जो सबसे ज़्यादा चोटी दिखाई दे रही है, ये है नैना पीक, चाइना पीक, चीना पीक, 3 नामों से जाना जाता है। और नीचे में दिखाई दे रही है हल्की सी, जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, तो जामा मस्जिद भी दिखाई दे रही है, और रमज़ान का टाइम चल रहा है इस समय, तो रमज़ान की आप सभी को बधाइयाँ। और इधर की तरफ देखते हैं तो नगरपालिका है अंग्रेज़ों के टाइम की, ये वाली मल्लीताल की आबादी है, और इधर की तरफ घुमाया जाए कैमरा तो ये वाली तलीताल की आबादी है। नैनीताल में आप आते हैं तो माँ पाषाण देवी मंदिर जरूर देखें, क्योंकि ये नेचुरल मूर्ति माता की यहाँ पे निकली हुई है, और ये झील का किनारा है, तो मॉल रोड से ठीक सामने वाली रोड रहती है ठंडी सड़क, तो ठंडी सड़क में जरूर घूमें। ये भी 1.5 किलोमीटर की रहती है, और मॉल रोड भी 1.5 किलोमीटर का है भाई, यहाँ पे पैदल ही घूमना होता है, यहाँ पे गाड़ी अलाउड नहीं रहती है, बाइकें, रिक्शे कुछ भी अलाउड नहीं है। तो काफ़ी सारे आपको मंदिर मिल जाते हैं यहाँ पे, तो शनि मंदिर है, पाषाण देवी मंदिर है, बजरंगबली का मंदिर है, भोलेनाथ का मंदिर है, और गोलूजी महाराज का मंदिर भी यहाँ पे मिल जाता है आपको। ये अधमताल में देखिए यहाँ पे पुस्तकालय है नैनीताल की, तो अंग्रेज़ों के टाइम से लेके अभी तक का की बुक्स का शॉप रखते हैं आप, तो यहाँ पे आप शाम के टाइम पे ये खुलता है, तो पूरा एंजॉय कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो काफ़ी टूरिस्ट दिखाई दे रहे हैं, देखिए नीचे की तरफ ले चल रहा हूँ आपको, यहाँ पे सेल्फी पॉइंट है, तो आराम से झील का किनारा है और सेल्फी पॉइंट है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी दूर के टूरिस्ट दिखाई दे रहे हैं, बच्चों के साथ पहुँचे हुए हैं, तो बहुत बढ़िया झील का किनारा है। देखिए बोटिंग की बात करें तो ना के बराबर ही बोटिंग है, ज़्यादा इस समय नहीं है, इस समय 25-30% ही टूरिस्ट अभी नैनीताल में है। सैटरडे का दिन है फिर भी नैनीताल अभी खाली खाली है, शाम तक का यहाँ पर बोटिंग बढ़ जाती है। तो मल्लीताल तक का अपडेट रहेगा, ले चल रहा हूँ आपको बड़ा बाजार, तो हेरिटेज मार्केट में देखते हैं कितना टूरिस्ट है, क्योंकि हेरिटेज मार्केट भी जरूर घूमिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ पे हेरिटेज मार्केट में काफ़ी पुराना पुराना सामान और एंटिक सामान आपको मिलता है, जो कि लोकल आर्ट करके दुकान है, और आपको बाल मिठाई भी मिलती है, और वहाँ पर कैंडल का बाज़ार भी आपको मिलता है, और काफ़ी सारी नमकीन भी आपको वहाँ पर मिल जाती है। तो दोस्तों बड़ा बाजार हेरिटेज मार्केट जरूर जाएँ। हर हर महादेव दोस्तों, महादेव के मंदिर पहुंच गया हूं, और देखिए यहां पे महादेव का मंदिर है, झील का किनारा है, तो यहां पे देखिए टिकट का रेट लिखा हुआ है झील में घूमने का, तो सभी जगह सेम प्राइस रहता है, कहीं से भी आप बोटिंग कर सकते हैं। और यहां पे देखिए टूरिस्ट की बात करें तो बिल्कुल ना के बराबर टूरिस्ट है यहाँ पे, बिल्कुल ऑफ सीजन जैसा दिखाई दे रहा है, और झील में भी काफ़ी कम नौकाएँ हैं। तो देखिए यहाँ पे तो अभी अभी घूम के आए हैं, काफ़ी बुजुर्ग भी दिखाई दे रहे हैं, और इस समय आप लोग बुजुर्गों के साथ और बच्चों के साथ नैनीताल प्लान कर सकते हैं। इस समय आप आते हैं तो बढ़िया आपको धूप मिलने वाली है, और बढ़िया मौसम मिलने वाला है, और इस समय सारा कुछ सस्ता है, नैनीताल प्लान ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर मैच का आनंद लिया जा रहा है, तो इस समय जाड़ों के दिनों में यहाँ पर क्रिकेट का है, और इसके बाद हॉकी होती है, और उसके बाद फुटबॉल होता है, तो ये सिलसिला साल भर चलते रहता है। DSA मैदान, तो ये ब्रिटिश टाइम का बनाया गया है बजरी ग्राउंड, जो कि काफ़ी फेमस है इंडिया में। तो नीचे की तरफ ये कार पार्किंग है, और 120 रुपये इसका चार्ज है, तो ये सैटरडे संडे फुल मिलती है। इसके बाद आपको मिलती है सुखाताल पार्किंग, मेट्रोपोल पार्किंग। पहुंच गया हूँ बड़ा बाजार हेरिटेज मार्केट, और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो अंदर की तरफ ले चल रहा हूँ, कितना टूरिस्ट यहाँ पर है और लोकल वाले क्या कुछ कर रहे हैं। तो दुकानें काफ़ी खुल गई हैं, रामलाल ब्रदर्स जो कि सबसे पुरानी दुकान है अंग्रेज़ों के बाद की, तो यहाँ पे हूँ, और यहाँ पे गांधी आश्रम भी है, सुपरमार्केट भी है, तो काफ़ी सारा आगे का कॉपी किताबों की दुकान है, आगे खाने पीने के रेस्टोरेंट हैं, तो आगे में बाल मिठाई भी है, और नमकीन भी यहाँ की काफ़ी फेमस है, और जलेबी भी काफ़ी फेमस है आगे में।
तो कुल्लड़ वाला दूध पीना हो आपको शाम के टाइम पे यहाँ पे नेगी रेस्टोरेंट में मिल जाता है। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल में नए एक बार जरूर करिए। मिलते हैं कोई और अच्छी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड, जय माता दी।